तो स्वागत है गाइस आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल रितेश मिश्रा ब्लॉग्स में। एंड पीछे आपने बोर्ड देख लिया, आज हो रहा है माइलेज के किस गाड़ी का, ये आपको अंदर चल करके पता चलेगा। चलिए तो एंट्री में अभी हम लोग घुस चुके हैं, कुछ इस ढंग से अभी सजाया हुआ है। आधे घंटे के भीतर में हम लोगों को यहाँ से निकलना है अभी। और जैसे हम लोगों को रोड मैप दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और सबसे बड़ा चीज़ है हम लोगों को करना है पसिनो 125 हाइब्रिड की। और ये रोड मैप हो गया कुछ इस ढंग से, 16x16 मतलब आपका 32 किलोमीटर अभी हम लोगों को टोटल जाना है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, थैंक्स टू अंचल भैया जो आज हम लोग को उन्होंने बुलाया। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे में, ये देखिए यहाँ पे जितनी भी फसिनो है, अभी टोटल 10 को फसिनो है, 10 की अभी धुलाई चल रही है मतलब साफ सफाई चल रही है, सबसे पहला चीज़ यही होता है। और साथ में अभी मेरे समीर भैया भी हैं, तो दो यूट्यूब चैनल है हमारा जो कि एक साथ रनिंग होगा। धमाल मचाना भी है, धमाल मचाना, देखते हैं क्या होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, कल पूरा रात भर नींद नहीं आया सोच करके कैसा होगा क्या होगा, काफ़ी बड़ा हाल है। और ये पहला हम लोग को एक्सपोजर मिला है कि हम लोग को यहाँ तरफ से बुलाया गया है स्पेशली ताकि हम लोग राइड करें और अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करें। और काफ़ी अच्छा लगा सर लोगों से मिल करके भी। हाँ, तो अब देखते हैं आगे का क्या एक्टिविटी रहता है हम लोगों का। विद इन हाफ एन आवर्स अभी हम लोग फिर उसके बाद निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। 32 किलोमीटर हम लोगों का दोनों का एक ही डेस्टिनेशन होगा, लेकिन हाँ, दोनों हम लोग अलग अलग गाड़ी में रहेंगे। यही है, कौन सा आप कौन सा कलर लीजिएगा भैया? अब पता नहीं हमको कौन सा कलर मिलता है, अगर चूज करने बोला जाए तो मुझे तो आइदर रेड अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये एक अच्छा लग रहा है कलर, मेरे को तो रेड ही अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है। चलो so, अभी यहाँ पर जो है लाइन से गाड़ी सजा दी गई है, यहाँ पर 1, 2, 3 वैसे करते हुए पूरा एकदम 10 की 10 गाड़ी जो है यहाँ पर अभी सज जाएगी। और फिर यहीं से हम लोग डायरेक्ट जो है इस वे से होते हुए सीधा निकल करके फिर यहाँ से चल जाएंगे। पिलाई हॉल से हम लोग को जाना है, पर जो है पेट्रोल फिलिंग का भी काम चालू हो गया, इस पर तो अभी थोड़ा ही जाएगा, ये जो रॉड है यहाँ तक फिल होगा, तो अभी देखते हैं कितना दूर तक ये जाता है। रॉड तक आ गया, टच हो गया। ये एक डिक्की जो है खाली हो चुका है, ये देखिए अभी तेल एकदम भी नहीं है यहाँ, ये जो रॉड है यहाँ तक में फ्यूल भरा जाएगा सभी गाड़ी में, जितने भी गाड़ी है। ये दूसरा नंबर वाला में फ्यूल भरा गया है, यहाँ देखिए रॉड तक अभी भरे जाएंगे, और फिर उसके बाद इसमें आएगा ऐसे करके और बाकी सब गाड़ी में भरे जाएंगे फ्यूल। चलिए आगे देखते हैं। लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूल जो है बस 1 मीटर से नीचे ही है, मतलब फुल है, ऑलमोस्ट फुल है। एंट्री पी यहाँ पर अभी 0 कर दिया गया है, तो ऐसे ही सभी गाड़ियों के अभी फ्यूल जो है वो चेक हो रही है। ये देखिए यहाँ पर भी फ्यूल जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, एंड धीरे धीरे अभी ये सब में ही रिफिलिंग होगा फ्यूल। मेरे को मिल चुका है ये वाला कलर का पसंद, ये जो कलर है मेरा अपना पर्सनली बहुत अच्छा कलर है, तो मेरे को मेरा कलर के हिसाब से पसीनो मिल गया। मेरा गाड़ी का जो नंबर है वो नंबर 7 है,
लकी सेवन, लकी सेवन। तो अब इस हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है आगे को, और अभी मेरा जो टंकी है वो हम अभी दिखाते हैं कैसा है। सो सब जगह जो है अभी टंकी जो है वो अभी इतनी दूर तक ही भरी गई है, एंड ट्रिप मीटर एकदम जीरो हो गया। टोटल किलोमीटर मेरा गाड़ी चला हुआ है 22 एंड ट्रिप में है मेरा जीरो। तो अभी यहीं से डायरेक्ट निकला जाएगा, सब में फ्यूल भरा जा रहा है ना। हम बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड है, और समीर भी अभी मेरे को लग रहा बहुत ज़्यादा ही है। एकदम एकदम। यहाँ पीछे अभी गाड़ी जो है वो सज रहा है धीरे धीरे करके, इस जगह से उधर तक ले करके जा रहे हैं रैंप में, और फिर यहाँ से अभी हम लोग का निकलेगा डायरेक्ट। Excited. देखते रहिए, पूरा ब्लॉग देखिएगा, तब आपको एंजॉय आएगा, तब आप इसी पूरा इवेंट को देख पाइएगा। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही अभी एंजॉय हो रहा है। मौसम साथ दिया है, कल का जैसा मौसम था कि पूरा दिन भर बारिश हुआ है, शाम तक में रात तक में भी बारिश हुआ है, बट आज को सूरज देवता ने अपना आगमन दे करके फिर उसके बाद में हमें बहुत अच्छा लगा। टी शर्ट मिल चुका है, तो अभी हम लोग अभी इसको पहन करके फिर उसके बाद में राइड पे निकलेंगे। तो अभी जितने भी हमारे साथ में राइडर हैं वो सब अभी रेडी हो रहे हैं, धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास में आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मेरी गाड़ी जिसमें मैं राइड करूँगा, और ये ले हेलमेट भी है। तो अभी सब रेडी है, अपने अपने हेलमेट के साथ में ही है। नहीं 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 तो अभी यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर रूट मैप जो है वो भी बताया जा रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे, साथ में हमारे एक यूट्यूबर भाई भी मिल गए हैं। कैसे हो दोस्त? चलिए, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। पसीना अच्छा लग रहा है या पसीना अच्छा लग रहा है? मेरे को तो दोनों अच्छा लग रहा है, मेहनत का पसीना। तो अभी साथ में जाएंगे, समीर भैया उधर पर है, तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक भैया कि अभी साथ में हम लोग सबको ही जाएंगे अभी, और फिर स्टार्ट हो रहा है अभी हमारा माइलेज टेस्ट। चलिए, सो अभी यहाँ पर लाइन में रखा गया है, ये देखिए आप गेट के पास में झंडा लेकर के रेडी करने के लिए अंचल भैया खड़े हैं। तो अभी हम लोग का यहाँ से फिर चालू होगा माइलेज टेस्ट। चलिए, हाँ अभी हम लोग निकल चुके हैं। मेरी गाड़ी अभी टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स नहीं दिखा रही है, क्यों पता नहीं, बट धीरे धीरे करके हम लोग होने वाले बढ़ रहे हैं अभी। तो जिस ढंग से अभी माइलेज टेस्ट होगा, चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये मेरा मीटर अभी फिर से चालू हो गया है, एंड अब जा करके यहाँ पर किलोमीटर जो वो चीज़ बता रहा है। तो अब इस हिसाब से अभी इस रोड से होते हुए अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं, समीर भैया मेरे आगे में है जस्ट। तो देखते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। गाड़ी अभी भी एक बंद में ही चल रहा है, तो आप हम लोगों को बोला गया 45-50 के स्पीड में चलने के लिए, बट अभी मैं चल रहा हूँ 28-30 समथिंग ऐसे ही चल रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये हमारा रूट एरिया के तरफ में आ चुके हैं, और पीछे मेरे जस्ट समीर भैया भी हैं, चले जा रहे हैं। बस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है मेरे साथ में, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कुछ। समीर भैया भी साथ में हैं, और हम लोग दोनों इस रोड में मिले हैं, और गाड़ी की स्पीड है वो 28-29 ही चल रही है। हम लोग कहीं पर भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करिए, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हुआ, अब पता नहीं जीत भी पाएंगे कि नहीं। फिलहाल थोड़ा तो जल्दी हम लोग को बढ़ना पड़ेगा आगे की ओर। चलिए चलते हैं। सबको यहाँ पर खड़ा हो गए हम लोग, अब यहाँ से अभी फिर से इंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए बताया जा रहा है, एंड यहाँ पर अभी सबने हमने स्टे किया है, हमारा 16 किलोमीटर का जो दायरा था अभी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये कॉकचो है, कॉकचो
अभी यहाँ पर हमारा गाड़ी अभी स्टे किया है, तो अभी हम लोग यहाँ से फिर से निकलेंगे आगे की ओर। यहाँ से अभी फिर रिटर्न हो रहे हैं सेम, और मीटर का यहाँ पर फिर वहाँ जा करके मीटर को नोट किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि माइलेज कितना दे रहा है एक्यूरेट। तो अभी सब आगे ग्रुप में है। जो है हम लोग टाटा कॉलेज पहुँचे हैं, ये टाटा कॉलेज है, और अभी यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे शायद राइट की ओर, और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जाएंगे पिल्लाई हॉल में, और वहाँ पर फिर उसके बाद टेस्ट किया जाएगा हर एक गाड़ी में कि कितना तेल डाल करके एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद में बताया जाएगा कि कितना माइलेज किस गाड़ी में दिया। तो धीरे धीरे करके अभी हमारे सब कोई बढ़ रहे हैं, ये देखिए ग्रुप हमारा पूरा आगे, कुछ लोग पीछे में भी हैं, तो अभी धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग अपने वापस पिलाई हॉल के तरफ में पहुंच गए हैं, और ये अभी गाड़ी जो है मेरा घुसने वाला है, ये देखिए ये अंदर अभी घुसने वाला है, यहाँ पे राइडर्स खड़े हैं, देखिए वाह। सो अब क्या है ये इनका कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है यहाँ तक फिर से फ्यूल को भरा जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि कितना पेट्रोल आता है। ये अभी भी और डलेगा अभी भी बहुत है 90 किलोमीटर स्पीड का। अभी टेस्टिंग हो गया, कितना आया सर? 390 ml इस गाड़ी में आया जो ये चला रहे थे सर। अब ये कौन चला रहा था, अब इसमें देखा जाएगा कितना है। ये भैया चला रहे थे इसको, इसपे कितना है, इसपे भी लगभग है, लमसम छूने ये लगभग टचिंग है 200। अब देखते हैं ये कितना जाता है। चलिए इस गाड़ी में 200 ml 100 समथिंग 50 ml और लगेगा। टच हो गया, ये देख लीजिए इस पे कितना गया सर, अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं ठीक है उनको हम लोग बाद में ये करेंगे, उसके बाद जो है उनको हम कंपनी के तरफ से सर्टिफिकेट और एक गिफ्ट दिया जाएगा ठीक है। विश्वकर्मा और इसका माइलेज है 78 किलोमीटर पर लीटर। पति विश्वकर्मा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नमस्कार, मेरा नाम हितेश मिश्रा है, बोकारो से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर सरायकला में रहता हूँ। आज
मैंने जो फसीनो अपनी स्कूटी ली थी तो इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया 97, मैंने अनएक्सपेक्टेबल 97 के माइलेज मुझे पहली बार, जब ऐसी कोई स्कूटी 125 सीसी में 97 के माइलेज, बिलीव नहीं कोई वर्ड है मेरे पास में। तो बहुत बहुत थैंक यू इंटरप्राइजेज जो ऐसा एक प्रोग्राम रखा है, और उन्होंने बहुत ही मतलब मेहनत इस चीज़ को लाया। और बात है कि मैं आज सेकंड पोजीशन पर भी आया हूँ माइलेज के मामले में, माइलेज टेस्ट के मामले में। तो इसके लिए जेपी इंटरप्राइजेस को बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ मैं थैंक यू जेपी एंटरप्राइजेस को कि मुझे एक ऐसे कंपटीशन में लाए और ला करके खड़ा किए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मुझे सेकंड पोजीशन मिला, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार किसी कंपटीशन में जा करके सेकंड पोजीशन। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूटी फसीनो जो 97 की माइलेज दी मुझे, जो मैं चला रहा था स्कूटी वो 97 की माइलेज, 125 सीसी में 97, अनएक्सपेक्टेबल, मतलब यकीन नहीं हो रहा बट ये है। तो अभी इसी के साथ में ही आज को हम जो है अपना ये ब्लॉग को एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। सपोर्ट कीजिए, पहला है ऐसे ही और भी बहुत आएगा। और इसी के साथ में ही बनते हैं हम लोग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय।